आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्काबा के बारे में, यानी कि सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग एपरेटस के बारे में। इसमें हम जानने वाले हैं कि स्काबा यानी कि क्या होता है और उसका जो वर्किंग कंडीशन का टाइम होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्काबा क्या होता है। स्काबा का फुल फॉर्म होता है सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग एपरेटस। खास तौर से इसका जो इस्तेमाल है वो फायर फाइटर्स या फिर हैजमेट यूनिट की तरफ से किया जाता है। जब भी आप कोई ऑयल एंड गैस या फिर कंस्ट्रक्शन में काम करते हो तो वहां पर कन्फाइन स्पेस का काम होता है, तो वहां पर भी स्काबा का इस्तेमाल किया जाता है इन केस ऑफ इमरजेंसी में किसी भी पर्सन को रेस्क्यू करने के लिए। और उसके लिए बाकायदा रेस्क्यू टीम होती है जो वेल क्वालिफाइड होती है और ट्रेन होती है, और उनको पता होता है कि स्काबा का इस्तेमाल कैसे करना है जब भी इमरजेंसी में या फिर कन्फाइंड स्पेस में किसी पर्सन को रेस्क्यू करना हो। तो चलिए अब जानते हैं कि इसके कंजम्पशन कैलकुलेशन के बारे में, कि हम कितना अगर उसका वॉल्यूम हो तो हम उसको कितने टाइम पीरियड तक उसको कंज्यूम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो भी स्काबा होता है या फिर स्कूबा होता है उसकी जो टैंक होती है उसमें एयर भरा हुआ होता है, और उसको अगर हमें मेजर करना हो तो वो हमें वॉल्यूम में मेजर करना पड़ता है कि कितने वॉल्यूम में ये टैंक के अंदर एयर है। अब मान लीजिए कि आपने स्काबा पहन लिया तो जब आप 1 मिनट तक अपनी सांसें लेते हो तो उसके लिए आपको कितने एयर की जरूरत होती है, तो वो होती है 1.5 क्यूबिक फीट। यानी कि 1.5 क्यूबिक फीट अगर उसमें एयर है उस वॉल्यूम में तो आप इजीली उस एयर को 1 मिनट तक ले सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं कि जैसे हमने देखा कि 1 मिनट के लिए 1.5 क्यूबिक फीट एयर रिक्वायर होती है, तो वैसे ही देखते हैं कि 30 मिनट के लिए कितनी रिक्वायर है। तो 30 मिनट के लिए वो कितनी रिक्वायर हो जाएगी, 1.5 × 30 = 45 क्यूबिक फीट। यानी कि 45 क्यूबिक फीट अगर उसमें एयर है तो उसका इस्तेमाल हम 30 मिनट तक कर सकते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो ब्रीथिंग एपरेटस है इसको प्रेशर गेज लगा हुआ रहता है, और उस प्रेशर गेज में आपको ये ध्यान में रखना है कि जितना प्रेशर उसमें दिखा रहा है यानी कि जितना प्रेशर उसमें लेफ्ट है उसका मतलब ये होता है कि उसमें वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है, जिसके जरिए हम इजिली पता कर सकते हैं कि कितना टाइम तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि प्रेशर गेज में अगर मान लो 100 बार उसका प्रेशर दिखा रहा है तो वो 15 मिनट तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर उसका प्रेशर 200 दिखा रहा है तो उसका इस्तेमाल आप 30 मिनट तक कर सकते हो, और उसमें अगर प्रेशर 300 दिखा रहा है तो उसका इस्तेमाल आप 45 मिनट तक कर सकते हो। लेकिन इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसको कितने मिनट तक हमें इस्तेमाल करना है उसको अगर कैलकुलेट करना है तो उसका एक फॉर्मूला आता है, वो है P × V / 40। अब आपको ये समझना है कि P क्या होता है, V क्या होता है और 40 क्या होता है। तो P यानी कि होता है यहाँ पर सिलेंडर का प्रेशर, V होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और 40 का मतलब ये होता है कि एक नॉर्मल जो पर्सन है वो एयर को कंज्यूम करता है 40 लीटर/मिनट। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और अगर आपको किसी ने ये पूछ लिया कि ये 40 लीटर/मिनट कैसे आता है तो आप बता सकते हो कि आदमी जो है वो 1 मिनट में 16 बार जो है वो सांस लेता है, और हर एक बार जो है वो एयर को इनहेल करता है, तो हर एक बार जब वो इनहेल करता है तो वो होती है 2.5 लीटर। अब नॉर्मल पर्सन जो है वो 1 मिनट में कितना इनहेल करेगा, तो हमें यहाँ पर 16 × 2.5 करना होगा, तो हमें आंसर मिलेगा 40 लीटर। तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि स्काबा का वर्किंग ड्यूरेशन जो है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एग्जांपल है कि हमारे पास 6 लीटर का एक स्काबा का सिलेंडर है जिसमें 300 बार जो है वो प्रेशर शो कर रहा है उसके प्रेशर गेज के ऊपर। अब हमें कैलकुलेट करना है कि इसका वर्किंग ड्यूरेशन जो है मिनट में वो कितना आता है। तो हमारे पास फॉर्मूला है कि उसका जो ड्यूरेशन अगर मिनट में अगर कैलकुलेट करना है तो वो है P × V / 40। तो यहाँ पर हमें सिलेंडर का प्रेशर दिया है वो है 300 बार, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा सिलेंडर के वॉल्यूम से। तो सिलेंडर का वॉल्यूम यहाँ पर दिया गया है 6 लीटर, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा 40 से। अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 45 मिनट्स। यानी कि 300 बार का अगर उसमें प्रेशर है तो हम 45 मिनट्स तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर भी आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ये 45 मिनट्स जो एग्जैक्ट है उतना ही आपको उसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर होती है सेफ्टी मार्जिन जो हमें हमेशा याद रखनी होती है, वो है 10 मिनट की। यानी कि आपके पास 6 लीटर वाला स्काबा है जिसमें 300 बार प्रेशर है, अभी आपको किसी पर्सन को रेस्क्यू करने के लिए जाना है तो इसका आपको 45 मिनट तक इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर सेफ्टी मार्जिन जो है 10 मिनट वो आपको छोड़ना है। मतलब यहाँ पर आपका वर्किंग ड्यूरेशन आएगा 45 मिनट्स माइनस 10 मिनट्स इज इक्वल टू 35 मिनट्स। तो 35 मिनट्स जो है वो आपका वर्किंग ड्यूरेशन है, यानी कि इस काबा का जब आपको इस्तेमाल करना है तो आपको खाली 35 मिनट्स तक ही इसका इस्तेमाल करना है, और जब इसका 10 मिनट बाकी रहेगा तभी आपको खुद को वहां से बचाना है। अब अगर हम सेम फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो हर एक डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पर हमें कितना ड्यूरेशन मिलेगा, उसका कितना वर्किंग ड्यूरेशन रहेगा वो हम जानते हैं। तो प्रेशर अगर 300 बार रहेगा तो उसका ड्यूरेशन कितना होगा, 45 मिनट्स। लेकिन वर्किंग ड्यूरेशन हमें यहाँ पर निकालना है तो इस ड्यूरेशन से हमें जो सेफ्टी मार्जिन है 10 मिनट का वो माइनस करना होगा, यानी कि 45 माइनस 10 इज इक्वल टू 35 मिनट्स जो है वो इसका वर्किंग ड्यूरेशन आएगा। वैसे ही अगर प्रेशर गेज पर 250 बार अगर प्रेशर है तो उसका ड्यूरेशन हो जाएगा 37.5 मिनट्स, और उसका वर्किंग ड्यूरेशन हो जाएगा 27.5 मिनट्स। वैसे ही 200 बार प्रेशर का हो जाएगा ड्यूरेशन 30 मिनट्स, और उसका वर्किंग ड्यूरेशन हो जाएगा 20 मिनट्स। फिर उसके बाद अगर 150 बार प्रेशर अगर रहेगा तो उसका ड्यूरेशन रहेगा 22.5 मिनट्स, और उसका वर्किंग ड्यूरेशन रहेगा 12.5 मिनट्स। और उसी प्रकार अगर 100 बार का अगर प्रेशर रहेगा तो उसका ड्यूरेशन रहेगा 15 मिनट, और उसका वर्किंग ड्यूरेशन रहेगा 5 मिनट्स। तो इस तरीके से आप जो है स्काबा का वर्किंग ड्यूरेशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा स्काबा के बारे में कि स्काबा का जो वर्किंग ड्यूरेशन है, टाइमिंग है, वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।